ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग टिश्यू के लिए, यानी हमारे बॉडी के अंदर अगर कहीं पे लगा है और वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ प्रिवेंट करना है तो एंटीसेप्टिक होता है। और डिसइंफेक्टेंट यानी क्या? नॉन लिविंग टिश्यू का, जैसे घर का पोता करने के लिए जो हम लोग बाहर से फिनाइल डालते हैं, ठीक है, या तो कोई टेबल वगैरह साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक के एग्जांपल अगर हम देखें तो फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ये उसके एग्जांपल है। आप जो डेटोल यूज करते हो वो एक्चुअली दो चीज का मिक्सचर है, क्लोरोजाइलिन और एंटरपिनोल, ये दोनों का मिक्सचर है डेटोल। फिर लाइफ बॉय वगैरह जो साबुन आते हैं उसके अंदर भी एक एंटीसेप्टिक एड किया जाता है जिसका नाम है बायोथियनॉल, दिस इज एडेड टू सोप। फिर आपने देखा होगा कि जब अगर आपको कुछ लगता है और जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो येलो कलर का जो सॉल्यूशन है वो लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। और दूसरा, आंख को साफ करने के लिए भी जो सॉल्यूशन यूज होता है बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, फोरेक्स, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो अभी मैंने बात की कि फॉर नॉन लिविंग थिंग, जैसे स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा क्लोरीन डालते हैं पानी को प्योर करने के लिए। तो 0.2 to 0.4 ppm aqueous solution of Cl2 and SO2 in very low concentration will act as a disinfectant। दूसरा, कोई कोई ऐसा होता है कि जो disinfectant भी काम करता है और antiseptic भी काम करता है। For example, 0.2% phenol is working as an antiseptic while 1% of phenol is working as a disinfectant, ठीक है।